सो गाइस, आज के साथ वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले कैसे खतरनाक उज्जवल भाई के फैन के बारे में, जो कि भाई सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। मतलब उसने भाई उज्जवल भाई से जो ऑटोग्राफ लिया और उसे 5 लाख रुपए में बेच दिया लिटरली। मतलब कि भाई ऐसे बंदे कहां पर मिलते हैं यार। देखो उज्जवल भाई जो अभी कुछ टाइम पहले जो सैमसंग के इवेंट पे गए थे, वहां पर गए थे, काफी सारे जो रैंडम बंदे भी आते जो सब्सक्राइबर्स वगैरह थे भाई, इनको कुछ पास वगैरह मिल जाते जिस कारण वो जो वहां पर आ जाते, तो काफी सारे क्रिएटर्स जो मिलते। अगर आपको कैसे कभी ऐसा मौका मिले तो आप क्या करोगे? मतलब आपको मौका मिल जाए भाई कोई ऐसे इवेंट में जाने का जहां पर जो है काफी सारे क्रिएटर्स आने वाले और आपका जो फेवरेट क्रिएटर है वो भी वहां पर आने वाला, और वहां पे चले जाते, तो आप वहां पे जाता था क्या करोगे? मतलब आपका जो फेवरेट क्रिएटर है आप उसके साथ एक सेल्फी ले लोगे, उससे भाई एक ऑटोग्राफ ले लोगे, किसी कागज या फिर किसी टी शर्ट, बस इतना ही करोगे, बाकी क्रिएटर आपको मतलब ही नहीं रहेगा। जो चलाक बंदे होते कुछ ज्यादा स्मार्ट बंदे होते हैं, मतलब भाई मैं तो उनको प्रॉपर बिजनेस मैन भाई, मौके का फायदा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस चीज का भाई एक जिंदा एग्जाम्पल गाइस उज्जवल भाई ने अपने ब्लॉग में दिखाया था, जो बंदा भाई सबसे ऑटोग्राफ ले रहा था लिटरली, और भाई उसने सोच रखा था भाई कितने बेचना है उसको, भाई बता रहा था भाई कितना प्राइस है, 5 लाख रुपए। भाई ने ऑटोग्राफ कलेक्शन करा, ये सोच रहा हूँ पेपर मैं रख लूँ इसको, बेचूंगा शायद से लैम्बोर्गिनी तो आई जाए, 5 लाख पूरे कट्टर टाइप के फैन होते हैं भाई, काफी सारे बड़े खतरनाक कलेक्टर भी होते हैं भाई, सभी के ऑटोग्राफ एक ही पेज पर पड़े और भाई ये सिर्फ 5 लाख में दे रहे हैं भाई, क्यों नहीं लेंगे हम, जरूर लेंगे आगे भाई 20 लाख में बेचेंगे, ये सीन भी चलता है। और भाई सभी क्रिएटर्स के ले लेते भाई, छोटा बड़ा क्या होता है, जाए कौन सा बड़ा हो जाएगा, उसका ऑटोग्राफ अगर अपने पास पड़ा है तो भाई समझ लेना भाई जिंदा भाई सोने की चाबी पड़ी है, मतलब तिजोरी की चाबी पड़ी है। पर भाई ये बंदा मुझसे थोड़ा सा कम होशियार था, क्योंकि भाई अगर मैं होता ना इसकी जगह तो भाई मैं एक पन्ने नहीं 2-3 पन्ने भरवा लेता, पहले एक पन्ने पे एक बंदे का साइन करवा लिया, फिर दूसरे से साइन करवा लिया, फिर तीसरे से, फिर भाई अगला पन्ना पलटा था, फिर से भाई पहले बंदे को आ जाता मास्क लगा के, भाई बिग फैन, भाई बिग फैन, मतलब भाई कितने बड़े क्रिएटर शायद मुझे जानता था ना, बस भाई बिग फैन कहना और क्या चाहिए बंदे को। और भाई टी शर्ट में ऑटोग्राफ छाप दिया, नोटबुक में ऑटोग्राफ हो गया भाई, टी शर्ट बेचेंगे 5 लाख के, नोटबुक का भाई पन्ना बेचेंगे 10 लाख रुपए का, भाई यही चलता है। तो यार चीज काफी ज्यादा रेयर होती है, मतलब एक पन्ने के ऊपर टेक्नो गेमर फ्लेट भाई, मतलब सारे हीरो बनाएसबी के मेंबर्स फोटोग्राफ आ गया, सारे भाई बीजीएमआई के प्लेयर्स फोटोग्राफ आ गए, और वो भाई आप कितने बंदे हो गए भाई कलेक्टर। मैं तो कह रहा हूँ भाई लिटरली बीडिंग होगी, मतलब बोली लगने वाली है कि भाई 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे भाई मजा आ जाएगा।